हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सैंडविच। बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत इजी होता है और खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में और भी ज़्यादा होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो उसे ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑयल लेंगे फ्राई पैन में, लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। उसमें थोड़ा सा हम लोग ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब इसमें हम लोग एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, उसे ऐड कर दूंगी। और प्याज को हम लोगों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम लोग लगभग 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ इसमें ऐड कर देंगे, बड़े वाले साइज़ के मैंने किए हैं। अब इसमें हम लोग हरी मिर्च ऐड कर देंगे, लगभग 3 हरी मिर्च मैंने इसमें बारीक काटी हुई है। इसमें हम लोग कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न ऐड करने के बाद धनिया पत्ती इसमें डाल दीजिए। आप धनिया पत्ती डालने के बाद अब इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और डाल दूँ मैं, कम लग रहा था मुझे। अब इसमें हम लोग डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसमें डालेंगे हम लोग भुना हुआ कोरिएंडर पाउडर। अब अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे भी अच्छे से हम लोग मिला लेंगे अपने आलूओं में, ताकि नीचे लगे नहीं। अब इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे चाट मसाला, लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम आपको सारे मसाले डालना है। अब हम लोग 2 चम्मच इसमें लेंगे चावल का आटा, 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक, या फिर आप चावल के आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हो। फिर इसे हम लोग पानी डाल के इसका थिक सही बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होना चाहिए। मैं आपको बताऊँगी कितना थिक रखना है हमें। इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए, और चलाने के बाद इसका हम लोग इस तरह का एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए कितना थिक है, और थोड़ी देर के बाद ये और थिक हो जाएगा। फिर पतला कर लेंगे हम लोग। इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाएंगे, उसी मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी मिक्स कर दिया था। ब्रेड के ऊपर इसे अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चीज़ की स्लाइस लंबी लंबी सी काट के इस पर रख देंगे, लगभग 2-2 पीस में इसमें रख दे रही हूँ, 2-2, 3-3। फिर जो हमारी फिलिंग थी उसे हम लोग फैला देंगे और दूसरा पार्ट जो है इसके ऊपर कर देंगे। ऐसे ही हम लोग सारे अपने बनाएंगे। फिर इसके बाद इसे जो हम लोगों ने बैटर बनाया था उसके ऊपर लपेट के इसको हम लोग पहले में बिना ऑयल के ऐसे ही फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको बना के। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। इसमें मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला। एक तरफ से जब सीख जाएंगे फिर हम लोग इसे ढक देंगे, फिर दूसरी साइड से भी हम लोग इसे दबाते हुए इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। आप दबा ज़रूर दीजिएगा, और फिर दूसरी तरह से मैं बनाऊंगी कि इसे हम लोग डीप फ्राई करेंगे। बैटर में लपेट के हम लोग ब्रेड को, ब्रेड का जो सैंडविच बनाया है उसे हम लोग ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। आप जिस भी तरह से खाना चाहें बना के इसे खा सकते हैं। दोनों तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और बनाना ही बहुत इजी होता है। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है उसको स्किप कर दीजिए। मेन जो आपका आलू और चीज़ होता है, इसके अलावा कोई भी इन्ग्रीडियंट्स नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप सॉस के साथ या चिली सॉस, टोमेटो सॉस जैसे चाहें खाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।